जो है वो सिंपल सा मैं आपको एड्रेस कर लेता हूँ। हाँ, एक डाउट बच्चों के मन में आने लग गया, वो है सर नोट्स मेकिंग का। फटाफट थोड़ा सा पॉज लें और इस बात पे ध्यान दें। चलो तुम्हारा पूरा ही एकदम बोलते ना, पूरा ही समाधान कर देते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो इस टाइम टेबल को सर्च कर रहे हैं, ठीक है जी। फटाफट सुनना जरा, फटाफट। यस, बिकॉज दो टाइप की वैरायटी हमारे सामने अभी बैठे हैं। दैट इज वन इज दैट इज रेगुलर स्टूडेंट्स जो कि स्कूल गोइंग है, रेगुलर स्टूडेंट्स जो कि स्कूल गोइंग है। अनदर इज डमी। डमी मतलब सर जो कि मम्मी से परमिशन लेके डमी करवा चुके हैं। बिल्कुल सही, स्कूल नहीं जाते हैं और वो घर पर रहकर ही तैयारी करते हैं। समझ में आया? पहली चीज अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए, पहली चीज अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि सर ये वाला जो पलड़ा है ये भारी है। ऑल्दो इनको कुछ प्रॉफिट होता है, इनके पास सेल्फ स्टडी के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स होते हैं, इनके पास थोड़े कम होते हैं। बट बेटा जैसा कि आप जानते हैं, यहां पे अगर आप स्कूल नहीं रहोगे तो आप घर ही घर पे अकेले ही हो। समझ में, घर ही घर पर अकेले ही हो, तो यहां पर इस वैरायटी में टाइम वेस्टेज बहुत होता है। बिलीव यू मी, क्या होता है बेटा, टाइम वेस्टेज बहुत होता है। फटाफट सुन लो अच्छे से। रेगुलर जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो सुबह स्कूल जाते हैं और शाम को इस वक्त आके कोचिंग की क्लासेस या पीडब्ल्यू की क्लासेस अटेंड करते हैं और फिर रात तक पढ़ाई करते हैं, ये वो लोग हैं जो घर पे ही रहते हैं और घर पे पढ़ाई करते हैं। समझ में आया? अब कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा, सर प्रॉफिटेबल सिचुएशन कौन सी है, रेगुलर या फिर डमी? दोनों ही, दोनों हैं भी और दोनों नहीं भी। समझ में आया? डिपेंड ऑन द कैलिबर ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कैसे यूटिलाइज करता है। हाँ, अगर आप जेई के आंकड़े उठा के देखोगे, जेई के आंकड़े उठा के देखोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन, प्लीज मार्क माय वर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शंस एंड गुड रैंक्स ये स्कूल गोइंग रेगुलर स्टूडेंट्स की आती है। ये किसकी आती है बेटा? स्कूल गोइंग रेगुलर स्टूडेंट्स की आती है। हाँ, समझ में आया? दिस इज ए फैक्ट। बहुत सारे लोग इसको विश्वास नहीं करते, बट जबकि आप नीट के आंकड़े उठा के देखोगे तो वहां पे ड्रॉपर का अमाउंट, ड्रॉप करने वाले बच्चे बहुत होते हैं, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो ड्रॉपर का वहां पे सिलेक्शन ज्यादा होता है। अच्छी रैंक तो फिर भी 12वीं वालों की आती है। समझ में आया? तो जेई में मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन, अच्छी रैंक स्कूल गोइंग रेगुलर स्टूडेंट्स की आती है। दिस इज ए फैक्ट। तब तुम खुद देख लो प्रॉफिटेबल सिचुएशन कौन सी है। आया ना? क्या मेरी बात समझ गए? आया ना? अब जो लोग स्कूल जा रहे हैं उनके लिए जो टाइम टेबल रहेगा वो ये है कि आप मॉर्निंग में एक R4 कोचिंग निकालिए बिल्कुल, उसके बाद में आप स्कूल जाइए। मैं एकदम ब्रीफ टाइम टेबल बता रहा हूं। स्कूल से आने के बाद में आफ्टर स्कूल, सुनते जाना आराम आराम से, आफ्टर स्कूल आपको एक घंटा और निकालना है, आफ्टर स्कूल एंड पीडब्ल्यू की क्लासेस। एक अगर मैं रफ टाइम लेके चलू तो आप बोल सकते हो 3:30 बजे से लेके आने वाली जिंदगी में 8 बजे तक हमारी पीडब्ल्यू की क्लासेस रहने वाली है। यस, इतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा। समझ में आया? 8 बजे तक, ठीक है। अब इसके बाद में, इसके बाद में समझ में आया, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, एक घंटा आप स्कूल जाने से पहले पढ़ाई करें पीडब्ल्यू की, एक घंटा आप स्कूल से आने के बाद में पढ़ाई करें। इसके बाद में आप कब खाना खाएंगे, कब उठेंगे, वो सब आपकी कहानी है। क्या मेरी बात समझ गए? अब यहां आ जाओ। इसके बाद में आप क्या करो, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ये 3 घंटे निकालिए। दीज 3 आवर्स में आप अपनी डीपीपी और प्रैक्टिस, समझ में आया? इन 3 घंटों में आप क्या करें, डीपीपी जो आपको होमवर्क मिला है और नोट्स रिवीजन NR लिख देता हूं और प्रैक्टिस लिख देता हूं, ये आपको यहां करना है। जो लोग डमी हैं उनके लिए देख लो भाई, 7 से 9 1-2 घंटे की शिफ्ट यहां निकालें, ठीक है। फिर 9:15 से लेके आप बोल सकते हो 7 बजे से पहले आप कब उठे, जल्दी उठ सकते हो तो टाइम और बढ़ा दो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। 9:15 से 11:15 2 घंटे आप यहां निकालो। उसके बाद में 11:15 से लेके, उसको देखना जरा, 45 मिनट का ब्रेक आ गया, 12 से लेके 2 आप यहां निकालो। तो ये 6 घंटे आपको निकालने हैं जो लोग डमी ले रहे हैं,
इसके बाद में सर सेम लॉजिक यहां पर भी वही होगा, 3 बजे से लेके 8 बजे तक हमारी फिर से पीडब्ल्यू की क्लासेस आ जाएगी, और इसके बाद सेम 9 से लेके 12 आप 1 3 घंटे की शिफ्ट और निकालिए, जिसमें आप भी सेम ही काम करोगे डीपीपी। जब भी आपकी क्लास खत्म हो, ध्यान सुनना, ये है पूरा मोटा मोटा तरीका, क्या मेरी बात समझ गए? तो जो डमी है 2 2 4 2 6 और 3 9, 9 घंटे तो मैंने आपको सीधे सीधे निकाल के दे दिए। अब आपकी जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप और टाइम अपनी लाइफ शेड्यूल से एक्सटेंड कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना कि जब भी आपकी क्लास खत्म हो ना 8 बजे, उसके बाद में टेक ए ब्रेक, 15-20 मिनट का ब्रेक लो, और ब्रेक नहीं लेना चाहते हो तो बैठे रहो। सर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम नोट्स कब बनाएं, ड्यूरिंग द लेक्चर या आफ्टर द? तो भैया ड्यूरिंग द लेक्चर है ना, आप जितना हो सके उतना लिखो, जितना हो सके आप उतना लिखो। आफ्टर, जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हुआ आप नोट्स भी बनाएं, और जब आप आफ्टर द लेक्चर नोट्स बनाएंगे तो आफ्टर द लेक्चर जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका लेक्चर भी रिवाइज हो गया। समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेक्चर रिवीजन, जो आपको पढ़ाया गया वो आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। समझ में आया? जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, आर ई वी, ठीक है। और इस पे बहुत सारे लोग काम नहीं करते हैं, वो पता क्या करते हैं, यहां पढ़ा और डायरेक्टली डीपीपी के क्वेश्चंस पे टूट पड़े, बोले सर समझ में तो आ ही गया। इस बात को आप अपने दिमाग में बसा लें कि जो भी लोग भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, जो भी यहां पढ़ा रहा हूं, वो सबको समझ में आता है। समस्या सवाल के साथ जाके होती है, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी करनी है, बट नोट्स को रिवाइज करना है बार बार। जितनी आपकी ज्यादा रिवीजन होगी उतना ही स्ट्रांग वो टॉपिक होता जाएगा। समझ में आया ना, क्या मेरी बात समझ गए? यस और नो? और जो लोग समझ गए फटाफट थम्स अप भेजो या यस सर भेजो स्पीड में। लेक्चर रिवीजन आपको जरूर करना है, क्लास खत्म होने के बाद में जो नोट्स आपके अधूरे रह गए किसी वजह से हम नहीं लिख पाए तो वो आपको चीजें वापस से लिखनी है। और जब लेक्चर रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरा लेक्चर दोबारा से देखो, बिल्कुल नहीं। आपके नोट्स बने हुए हैं, जो पार्ट रह गया वहां जाकर उसको देखो, पीडीएफ आपके पास आ जाएगी, वहां से लेक्चर आप नोट्स कंप्लीट करें। ना कि ऐसा नहीं कि पूरा वापस से उठाकर वीडियो के सामने बैठ के फिर देख रहे हैं, इतना टाइम नहीं है जी। और सर दोबारा ना देखना पड़े उसके लिए, जब पहली बार आप देख रहे हो तो अच्छे से समझ, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, दिस इज द बेसिक, ये बेसिक लेआउट है, इसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। नंबर ऑफ स्टडी आवर्स बढ़ने ही चाहिए, बाकी प्लस माइनस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये स्लाइड आपके पास ही रहेगी, आपके पास आ जाएगी, घबराइएगा नहीं।